हेलो गाइस, अभी 6:10 हुए। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और मैं अपना जंक्शन का नज़ारा दिखाता हूं और देखिएगा आप लोग पटना जंक्शन बिहार की राजधानी फ्लैग जो कि स्टेशनों पर आजकल लगा हुआ रहता है। और ये देखिएगा पटना का बिहार का इतिहास अपने आप में ही एक बहुत दुर्लभ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर स्टेशन के सामने जैसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलते हैं हनुमान जी का मंदिर महावीर मंदिर के नाम से है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के 2 विग्रह हैं और कुछ भी मनोकामना हमारी यहाँ पर पूरी होती है। और मैं यहाँ पर आज दर्शन करने जा रहा हूँ, कभी मौका मिला नहीं। अभी हमारी गाड़ी लेट है तो हमने सोचा कि दर्शन इसी बहाने कर लेते हैं। और देखिएगा पटना स्टेशन का नज़ारा, क्या अद्भुत खूबसूरत नज़ारा है। गाइस, अभी हम लोग महावीर मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और जैसा कि महावीर मंदिर में आपको दिखाऊंगा, इस वक्त महावीर मंदिर पटना में है और अभी हम महावीर मंदिर का आपको दृश्य दिखाते हैं। ये राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है, मैं आपको इसका सीन दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसका काम चालू भी हो चुका है राम मंदिर का। उसके बाद आप लोग मंदिर परिसर में माँ शेरावाली का देखोगे। गाइस, अभी हम लोग पटना स्टेशन पर हैं और 8 बज रहे हैं लगभग इस वक्त। और पटना स्टेशन के बाहर लाइटिंग को आप लोग अभी देखिएगा और लाइटिंग क्या शानदार किया गया है, अलग अलग रंग बिरंगी लाइटिंग और जिस पर सम्राट अशोक, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, साथी स्तूप, राजगृह, अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय गांधी जी की और की दांडी यात्रा स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, उसका भी यहाँ पर दृश्य यहाँ पर अमूमन किया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको तिरंगा नज़र आ रहा होगा। और ठीक है, अभी हम जस्ट स्टेशन के बाहर हैं और